एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर और शलगम का अचार, जो हम बिना तेल के डालेंगे, सिरके में डालेंगे और राई का इसका तड़का लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर गाजर ली है, शलगम ली है, जिसको हमने अच्छे से काट कर धो लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। हमने अच्छे से गाजर और शलगम को काट लिया है अच्छे से। इनको किसी भी आप आकार में इसको काट सकते हो। तो चलो हम अचार डालना शुरू करते हैं। बहुत जल्दी से बन जाता है, 5 मिनट लगते हैं इसको बनने में, और एक दिन की धूप में ये अगले दिन खाने को तैयार हो जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, जिसमें हम शलगम और गाजर को डाल देंगे। शलगम और गाजर को एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले राई ली है, ये बारीक राई है जो काले रंग की आती है, इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, राई का हमने फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसके हम 3 से 4 ये छोटा चम्मच है ये डालेंगे। इससे खट्टा बनाते हैं और अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे, रेड चिली पाउडर, नमक। नमक इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि नमक से अचार खराब नहीं होता। इसके हम 5 चम्मच डालेंगे, थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च। अब इसमें थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, 1 चुटकी के लगभग। इससे ये जो अचार है ये हाजमेदार हो जाता है, हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी मसालों को अच्छे से शलगम और गाजर में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब एक हम खाली जार लेंगे, जिसमें हम अचार डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक खाली बर्तन लिया है, जिसमें जो हमने अचार मसालों वाला रेडी करके रखा था वो इसमें भर देंगे। तो देखिए, अचार को हमने अच्छे से एक बर्तन में भर लिया है। अब इसमें हम इसको सालों तक ये अचार खराब ना हो, आप इसको 6 महीने साल तक आराम से आप इसको स्टोर कर रख सकते हो, ये खराब नहीं होगा। इसमें हम सिरका डालेंगे, जिससे अचार की लाइफ बढ़ जाती है। आप यहाँ पर नींबू के रस का भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर हम सिरका डालेंगे, जिससे अचार बिल्कुल खराब नहीं हो सकता। आप इसको आराम से कभी भी 6 से 7 महीने साल तक इसको आराम से रखकर खा सकते हो। अब इसमें हम सिरका डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हिला देंगे और इसको धूप में, एक दिन की धूप में रख देंगे। अचार हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसमें खटास अच्छे से भर जाएगी, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप इसको पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, जब भी आपका सब्जी खाने का मन ना करे तो अचार के साथ इंजॉय करना। मेरी रेसिपी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।